बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम माद अशरफ है, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी का और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं अभी तो। और मुझे डॉक्टर ने दिल का मसला बताया था कि मेरा दिल जो है 20% काम कर रहा है जस्ट, और जिसकी वजह से मुझे उन्होंने पानी छानी बंद कर दिया था और जस्ट मेरा सांस फूलना शुरू हुआ था जो जिसकी वजह से मैं चेकअप के लिए गया था और उन्होंने आगे से दिल का मसला बता दिया था कि दिल का मसला है। इवन उन्होंने जितने टेस्ट किए थे सब टेस्ट जो थे ना क्लियर थे, फिर भी उन्होंने कहा नहीं दिल का जी दिल का मसला है, दिल आपका जो है 20% काम कर रहा है और मेडिसिन की ढेर लगा कर दिए थे। इवन ये देखें मेरा हाथ, ये देखें कितना ज़ख्मी कर रखा है, तकरीबन 8-9 जगह से उन्होंने मतलब ब्लड बार बार निकालना, और मुझे मतलब कोफ तो होने लगी थी हॉस्पिटल में, मतलब मैं तकरीबन 1 वीक एडमिट भी रहा हूँ वहाँ पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। मगर आपका क्या नाम है और आप इनके क्या लगते हैं? अस्सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, मैं PTCL इंजीनियर हूँ, और मेरा ये बेटा कुछ रमज़ान के बाद अचानक जो है बीमार हो गया, इसको कुछ सांस चढ़ना शुरू हुआ तो मैं इसे लेके हॉस्पिटल चला गया हूँ शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। वहाँ पर डॉक्टरों ने बताया कि ये इसको कोई हार्ट की तकलीफ़ है, तो टेस्ट वगैरह आ जाए तो उसके बाद इसको देखते हैं। और इसको पानी भी इसका बंद कर दिया था, खाना पीना भी इसका नहीं था, जो ये खा रहा था वो थोड़ी देर बाद वॉमिटिंग कर देता था। दरबार आलिया बलावरा शरीफ इस तरह था कि आज से कुछ 6 साल पहले मेरी वालदा जो थी उनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्हें मेरे छोटे भाई लेके आए थे, मैं तो नहीं आ सका था, छोटे भाई आए थे लेके, तो उन्हें डायलिसिस पे रखा हुआ था डॉक्टर्स ने। तो आज ये बच्चा बीमार हुआ तो मुझे वही जहन में मेरे आया कि मैं इनको बलावरा शरीफ लेके जाता हूँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लेके आए और पीर साहब ने इन्हें दम किया हज़रत ने, तो उससे अल्लाह पाक ने एक शफा दी और ये फौरी तौर पर अपने जो ये अब चल नहीं सकते थे और ये अब अपने कदमों पर खड़े हुए हैं। तकरीबन मैंने 1.5 महीने से खाना नहीं खा रखा था, जो खाता था वॉमिट और हो जाता था। मैं तकरीबन कहते हैं अब पिछले हफ्ते से सो नहीं पाया हूँ, जाग रहा हूँ पूरी रात जाग रहा हूँ। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि आज जब दम हुआ है तो अब मुझे इतना लग रहा है कि खाना भी सुकून से खा लिया, हज़म भी हो गया और मुझे अब नींद भी आ रही, बहुत अच्छी सुकून वाली नींद आ रही है। आप बिल्कुल ठीक ठाक इस वक्त, बिल्कुल अपने आप को तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ अब। बस नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, एक दूसरे के लिए मोहब्बत का सबूत करें। आज जो हालात हैं इसमें कोई सियासत में भागता है, कोई पार्टी में भागता है, कोई दुनियादारी में भागता है। हमारा मिशन किसी सियासत या किसी पार्टीबाजी में नहीं, किसी ऐसी चीज़ में नहीं, बल्कि हमारा मिशन सिर्फ दो ही है, एक तो हुजूर का मिलाद मनाना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। बस दरबारे आलिया बलार 4 करोड़ से ज़ायद मुरीद हैं, कुर अर्ज में कोई ऐसे मज़हब ऐसे अकीदे वाला बंदा नहीं जो मेरे पास आया हो तो मेरे रब ने शफा उसे ना दी हो। इसलिए ये बात आप अपने दिलों में रख लें, अब से आज और हमारा जो रिश्ता है वो नहीं टूटने वाला, हमारे और रिश्ते के दरमियान मौजूद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे की ताकत मौजूद है, इसे कायनात की कोई चीज़ तोड़ नहीं सकती है।